माइनस पाकिस्तान करके घुटनों पे आ जाएगी आपका ब्रॉडकास्ट भाग जाएगा अभी भी आईसीसी आपके कंट्रोल में है ना वो तो एक डाकिया बना हुआ ट्रॉफी पाकिस्तान का राइट है, पता है चले फिर आप आईसीसी को कह देना बीसीसीआई लिखे दे दे जो अगले तीन इवेंट हो रहे हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग करवाएंगे कर ले फिर ऐसा तो आ, कैसा नहीं, नहीं नहीं ये देखिए यहाँ पे देखिए आके क्या बताना चाह रही हैं क्या इन, ये चीजों का अंदाजा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं था क्या साउथ अफ्रीका को नहीं था लिसन मैं यहाँ क्रिकेटर बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं हूँ कि आपको इन चीजों का जवाब वो दूर इंडिया क्या इंडिया में कितने बड़े बड़े अटैक हुए हैं क्या हमने सामने रखा कोई चीज हमने ऐसी शर्त रखी हमारे मीडिया में ये बात की है हमें तो यहाँ तक इजाजत नहीं थी कि आप कमरे का कटन साइड पे कर लें जब 2011 में आए थे हम 2013 में आए थे 15 में आए थे हमें तो ये इजाजत नहीं थी अभी तेईस में आए हैं आपका भी नुमाइंदा वहां पे बैठा हुआ था ना आप उस वक्त कह देते कि नहीं जी हम प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान नहीं होश करेगा इतना बड़ा बोर्ड है इतनी बड़ी कंट्री है इतने नाइस आपकी आवाम है आप नेगेटिव पाकिस्तान के इमेज आप नहीं खराब कर सकते ये सारी टीमें आ गई हैं हसरी होगी इस गवर्नमेंट पे ये क्या डिसीजन ले रहे हैं क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं लेकिन मेरी बात पहले आप सुन ले मैं अपना जवाब देता दूँ फिर आप अगला सवाल कीजिएगा अगर आप बड़े इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा मजाक उड़ेगा आपका मेरे कैसे नाजरीन एक भारतीय चैनल ने कामरान अकमल को अपने लाइव शो में मधु किया और चांद सवाल पूछे कामरान अकमल ने उस लाइव शो में इस एंकर की ऐसे दुर्गत बनाए की वो एंकर भी हैरान रहेगी आइए नाजरीन के नाम आप भी सुने पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर कामर अकमल कामरान बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसा लगता है की पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए देखिए मैं आप अगर बींगे पाकिस्तानी में बोलूं बींगे क्रिकेटर बोलूं चाहे मैं दुनिया का कोई क्रिकेटर हो तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं, नहीं 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 ये देखिए पे देखिए के लिए ये ऐसी बात करना अच्छी बात है इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि सारी टीमें खेल के चली गई हुई हैं और हम लोग भी कह सकते थे जैसे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल हुआ था तो हम भी कह सकते थे कि हम भी वर्ल्ड कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे लेकिन हम लोगों ने ऐसा कहा नहीं क्योंकि आईसीसी का इवेंट था बड़े दिल का मुजाह करना चाहिए हमने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हमेशा हमने पहल की है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया अभी भी आएगी मैं आपको ऑनस्टली बताऊँ अभी भी उनको वो प्रोटोकॉल मिलेगा मेरा नहीं ख्याल तो जो बाकी टीमों को मिलेगा जो प्यार के, क्या बताना चाह रही हैं, क्या इन, ये चीजों का अंदाजा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं था आप ये ये देखें ये बहुत से बहुत सी बातें हैं आप ऐसे स्टैट सामने रख सकते हैं मैं भी यहाँ पे स्टार्ट आपकी तरह रख दू आपकेटर बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं कोई सिक्योरिटी uh, का बंदा नहीं हो कि आपको इन चीजों का जवाब दू लेकिन आप ये एक्सक्यूज बना बना रहे हैं ये हुआ है वो हुआ है इंडिया क्या इंडिया में कितने बड़े बड़े अटैक हुए हैं क्या हमने सामने रखा है कोई चीज हमने ऐसी शर्त रखी हमारे मीडिया में ये बात की है हमें तो यहाँ तक इजाजत नहीं थी कि आप कमरे का कटन साइड पे कर लें जब 2011 में आए थे हम 2013 में आए थे 15 में आए थे हमें तो ये इजाजत नहीं थी अभी 23 में आए हैं हम तो ऐसी चीजें नहीं मीडिया पे डिबेट करते हम तो पीसफुली काम करते हैं हम, के, हम बड़े दिल का मुजाह करते हैं आपकी तरफ से बड़े दिल का मुजहरा होना चाहिए ये चीजें बातें बता के आप नेगेटिव पाकिस्तान के खराब कर सकते ये सारी टीमें आ गई है इनको ये कोई फर्क नहीं।, नहीं पड़ेगा मुझे एक बात बताएं सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने नहीं आना है। जब ये ओवर तो नहीं आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के राइट दे दिए थे पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दे दिया था आपका भी नुमाइंदा वहां पर बैठा हुआ था ना आप उस वक्त कह देते कि नहीं जी हम प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान ही होस्ट करेगा क्योंकि हम ट्रैवल नहीं करेंगे ये क्या बात हुई कि आप दो तीन महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में तो अब आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम ये कौन किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं बट है? है, इतना बड़ा बोर्ड है इतनी बड़ी कंट्री है इतने नाइस आपकी आवाम है जब भी हम जाते हैं है? वो पढ़ी लिखी है वो भी हंसरी होगी इस गवर्नमेंट पे ये क्या डिसीजन ले रहे हैं क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं जहाँ पे आप पाकिस्तान में आप आके देखें दुनिया में जाके पूछें कि इंडिया ने ये शर्त रखी ठीक रखी है मजाक उड़ेगा आपका मेरे ख्याल से उड़ ही रहा है मजाक इस चीज आप उस बड़े आप देखे हम सारे मुल्क में हैं हमने तो कोई बात नहीं की सिंपल सा आप फिर आईसीसी को कह देना आप, आपकी गवर्नमेंट कह दे अपने बीसीसीआई को कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए अभी भी आईसीसी आपके कंट्रोल में है ना वो तो एक डाकिया बना हुआ आपकी ई हमें भिजवा रहा है हमारी ईमेल आपको भिजवा रहा है वो तो इंडिया की तरफ से आता है क्या आपको इसके अलावा फेवर नहीं मिलती आपकी क्रिकेट को मुझे एक बात बताएं क्या आपको ज्ञाना में बताया गया सबसे पहले इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी तो इंडिया ज्ञाना में खेलेगी हम कहते हैं ठीक है यार ये दुनिया के दुनिया के के कमेंटेटर कह 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 रहे 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 हैं 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 बड़े उस दौरान उन्होंने कहा कि कि कैसे हो सकता है आप पहले इंडिया को दे ज्ञाना में खेल रहे हैं। अपनी मर्जी के ग्राउंड के करीब होटल्स मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से बाकी टीमों को एक एक घंटे की ड्राइव मिल रही है Let लेकिन लेकिन मेरी बात पहले आप सुन ले मैं अपना जवाब दे दू फिर आप अगला सवाल कीजिएगा अगर आप एग्री कर देखिए ये चीजें चलती हैं ठीक है तो उस वक्त आपकी तरफ से सियासत बड़ी एक्टिव हो जाती है पाकिस्तान को पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए क्योंकि उससे पहले किसी टीम से भी खेल रहे होते हैं कहीं पे भी जा रहे होते हैं उस वक्त कोई सियासत की बात नहीं की जाती क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान के खिलाफ बात करके कुछ लोगों का वोट बैंक बढ़ता है तो वो ये काम उसमें कामयाब हो जाते हैं ये नहीं देखते कि आप क्रिकेट फैंस कितने दूर कर रहे हैं आप मीडिया को दूर करें एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता एज ए क्रिकेक्टर हमें बड़े दिल का गुजारा मैं बार बार कहता हूँ करना चाहिए

पैसा आता है जिसकी वजह से आईसीसी चलती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में इसमें तो दो राय है ही नहीं है ना उसके बाद बिल्कुल ही आप बिल्कुल साइड लाइन हो जाए या फिर ये कर ले आपकी तरफ से हमने तो हमेशा आए हैं खेलने हमें जब का हम खेले हैं जब का आपने के आईपीएल नहीं खेलेंगे हमारी क्रिकेट तो नहीं खत्म होगी ना आपने आपनेटर सीरीज नहीं खेलनी ठीक है कोई मसला नहीं हमारी क्रिकेट तो चल रही है आपने कहा कि पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाना उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज किया अब ये आईसीसी पे हम भी कह सकते थे तेईस में कि हमने नहीं जाना

मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए इस चीज पे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है पाकिस्तान में सारी टीमें आए खेले और एंजॉय करे ये आपने देखा होगा कि एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तो जो टीमें यहाँ पे खेल के गई है ऑर्गेनाइज कैसे किया गया कितना जबरदस्त किया गया वो आपके एक मंडेटर भी पाकिस्तान में आए हुए थे उनसे पूछ लीजिए कि कैसी हॉस्पिटैलिटी और कैसा जबरदस्त होस्ट किया था पाकिस्तान ने तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सोचना चाहिए बाकी जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे साइन हुए थे एसओपीज जो भी है

करीब लाती है जो हम दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आप देखे क्रिकेट नहीं हो रही तो हम दूर होते जा रहे हैं आप देख लें 2008 के बाद आज 2024 है तो 16 साल हो गए हैं तो आप कितनी कितना गैप आ गया है दोनों मुल्कों में जो आधे घंटे की फ्लाइट है दिल्ली की लाहौर से तो वो अब देख लें ए, कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में मिलने में तो दूसरी चीजें भी है तो इस... ये भी बात चल रही है कि एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल से खेला जा सकता है तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल मॉडल से क्यों नहीं खेला जा सकता है इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग चले फिर आप आईसीसी को कह देना बीसीसीआई लिख के दे दे जो अगले तीन इवेंट हो रहे हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग करवाएंगे कर लें फिर ऐसा और इंडिया सी बीसीसीआई कह दे आईसीसी को कि जो पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल में रखा है उनका सेपरेट पूल बना दें और एक पूल में दोनों टीमों को ना रखे जो एक पूल है वहां पे करवा लेकिन ऐसा आईसीसी कभी भी नहीं करेगा उनको पता है कि हमारी इनकम में कितना डेंट पहुंचा जाएगा टीवी राइट साइन किए हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा राउंड का मैच तो ये कोई हाम चीज नहीं है इतनी पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए और इंडिया के किसी भी टीम को कोई ऐसा चाहिए क्योंकि वो सारी टीमें के चली गई हुई है।, है तो फिर किस का है? मुझे बताए ना कमन इसमें ये भी तो है, कि अगर नहीं करते है तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान से बाहर होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए रेवेन्यू के बेसिस पे भी तो नुकसान की बात है देखिए मैंने कहा ना ये तो पीसीबी का मैटर है और हमारी गवर्नमेंट का वो क्या समझते हैं इस वक्त आपकी तरफ से भी हमारी कामरान अकमल को लाइव शो में बुलाना महंगा पड़ गया क्योंकि कामरान अकमल ने चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के मामले पर बीसीसीआई और भारतीय लिया और जब बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नाइन साफी कर रहे हैं उस पर कामरान अकमल ने खोल कर बात की है कामरान अकमाल ने वाजह किया कि आई सी सी ने चैम्पियन ट्राफी की मेजबानी पाकिस्तान को रातों रात नहीं दी बल्कि इसका फैसला तो बहुत पहले हो चुका था अगर भारत को कोई एतराज़ था तो आई सी सी के उसी इजलास में उसने कह देना था ताकि पाकिस्तान भी अपना आगे का लय अमल तय कर लेता लेकिन अब चैम्पियन ट्राफी में चंद महीने ही रह गए हैं अब भारत का ऐसा रवैया बहुत अफसोसनाक और बहुत ज़्यादा शर्मनाक है नाजरीन कराम के इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़